Bye. <laughs> माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आप लोगों ने रामायण देखा होगा महाभारत देखा होगा उसमें जो हम लोगों ने देखा दूरदर्शन पर उसमें अलग अलग तीर निकलता था जो अलग अलग फुलझड़ियों का रूप लेता था और उसके बाद एक दूसरे में टकरा जाता था हर तीर का एक अलग नाम होता था वो होता क्या था ये तो एक डिपिक्शन है हमें समझाने के लिए उन लोगों ने टेलीविजन में दिखा दिया लेकिन असल में ये जो युद्ध होता था ये तंत्र युद्ध होता था ठीक है और इसमें अलग अलग तरीके के अस्त्र तरीके के अस्त्र का प्रयोग होता था जैसे बहुत हाल में मैंने आप लोगों को एक कथा बताया था जिसमें एक मुसलमान शासक ने जब भारत पर हमला किया था तो एक तरफ से जलंधर नाथ जी और दूसरे तरफ से अभी जो अजमेर शरीफ का दरगाह है वो पीर वो जो भी हैं इन दोनों का तंत्र युद्ध हुआ था जिसमें आसपास का सारा स्थान नाबूद हो गया था ऐसा बोला जाता है तो जो आम युद्ध चलता था उसी के साथ तंत्र का भी युद्ध चलता था तो जो आप रामायण महाभारत में जो डिपिक्शन देखते हैं कि तीर उड़ करके के आ रहा है अलग अलग रंग का और वो आके टकरा जा रहा है तो उसको ही अस्त्र बोलते थे तो कितने तरीके के अस्त्र होते थे तो बहुत तरह तरीके के अस्त्र होते थे जिसमें कि मैक्सिमम अब विलुप्त हो गया है जिनका अभी भी हम लोगों को ज्ञान है उसमें एक अघोरास्त्र है एक पशुपास्त्र है और एक नारायणास्त्र है ये आ, आम तौर पे हम लोग अपने सुरक्षा के लिए आ, इसका प्रयोग करते हैं जैसे अघोरास्त्र आपको मैंने पहले भी बताया था अघोरास्त्र को पूरा सिद्ध करने तो नहीं बताया लेकिन आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसको आ, सिर्फ पढ़ के तीन बार फूक ले शिव अघोर मंत्र के रूप में मैंने आपको दिया था ह्रिमअस्वर अस्वुर प्रस्फुर प्रस्फुर घुरघुर दर रूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह बम बम बंदया बंदे घात्या घातया हुम फट ठीक है तो जब भी अश्व को शांत करना हो गज को शांत करना हो किसी महामारी को शांत करना हो जैसे अभी महामारी चल रही है या फिर राज में उपद्रव हो कहीं प्रेत बाधा हो कहीं शत्रु बाधा हो ठीक है तो इन सब जगहों पर अगोरास्त्र का प्रयोग किया जाता था पशुपति अस्त्र का प्रयोग किया जाता था या फिर युद्ध में इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता था अगोरास्त्र में तो ओम अस् अघोरास्त्र मंत्र से अघो ऋषि त्रृष्ठंद अघो रुद्र देवता हल्बी स्वराशक्ति है लेकिन पशुपति अस्त्र जो है ना वो थोड़ा अलग है क्यों अलग है क्योंकि इसमें पशुपतिनाथ जी के पांचों रूप की पूजा होती है जब हम ऐसे पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं तो उसमें आ, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि पांच मुख का पांच नाम है और जो पांच नाम है उनकी पांच शक्तियां होती हैं ठीक है और उनका हम साथ में पूजा करते हैं अघोर रुद्र मंत्र में हम क्या करते थे हम सिर्फ अघोर रूप की पूजा करते थे ठीक है लेकिन अब हम करने वाले हैं पशु पशुपति जी का पशुपति अस्त्र ठीक है जिसको पशु अस्त्र भी बोलते हैं पशुपात अस्त्र भी बोलते हैं ठीक है इसके लिए क्या करना होगा एक शिवलिंग जो पंचमुखी हो ठीक है अब इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि सारे शिवलिंग पंचमुखी होते हैं उनका चार मुख चार दिशा में और जो पांचवा मुख है वो ऊपर होता है एग्जैक्ट शिवलिंग उसको कहते हैं जिसमें जो योनि होती है जिसपे शिवलिंग को रखा जाता है उसके अंदर तक वो हो ठीक है अगर सिर्फ उसके ऊपर आप रखते हैं तो वो बानलिंग हो जाता है जिसका तंत्रिक तां, प्रयोग होता है तो एक शिवलिंग ले लेंगे ठीक है शिवलिंग का जो अभिषेक है पांच चीजों से वो करेंगे उस पर धूप दू, दू, नवेद पुष्प जो मैंने पहले बता रखा है वो उस तरीके से उसका पूजा करेंगे उसके बाद अपने रुद्राक्ष को ले लेंगे और विनियोग करेंगे ओम अस्य श्री पशुपतास्त्र मंत्र ब्रह्म ऋषि गायत्री छंद पशुपातास्त्र देवता सर्वोपद्रव समनाथे जपे विनियोग ठीक है इसके बाद न्यास करेंगे ओम हुम फट अंगुष्ठाभ्याम नमः ये तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जब अंगूठे का को नमन करेंगे तो उसके रूट से लेकर के उसके टिप तक अपने इंडेक्स फिंगर से उसको छुएंगे और बाकियों को अपने अंगूठे से छुएंगे ओम श्लिम फट तर्जनीट हुम हुम अनामिका भ्याम नमः। ओम फट हूम फट कनिष्ठ का भ्याम नमः। ओम श्लिम पशु हुम फट करतल कर पृष्ठाभ्याम नम मतलब जो अपने हाथ के तलट्टी को और अपने हाथ के ऊपर को जैसे आप हाथ पोसते हैं उस तरीके से छुएंगे ठीक है सेम यही विधान फिर चलेगा ओम हुए हुम फट सिरसे स्वाहा ओम पशु फट सिखाया ओम हुं हुं फट कवचाय ओम फट फट वसट ओम हुम फट हुम ओम फट ओम नेत्रिम पशु हुम फट अस्त्राय फट देखो ये मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों को अलग अलग ऐसे करते हैं लेकिन बहुत लोग या फिर एक ऐसा विधान भी है जिसमें कि दोनों न्यास को एक साथ करते हैं मतलब कैसे करते हैं तो ओम हुम फट अंगुष्ठाभ्याम नमः हृदय नमः मतलब जैसे ओम हुम फट किया तो अंगुष्ट अपने अंगूठे को छुआ अंगुष्ठाभ्याम नमः फिर सीधे हृदय पर हाथ लगा के हृदय नमः ओम श्लिम हुम फट तर्जनभ्याम नमः मतलब अंगूठे से तर्जनी उंगली को छुआ उसके बाद फिर सिर से सिरसेम पशु मध्यभ्याम ठीक है तो मध्यमा को छुआ मध्यमा उंगली को उसके शिखाया उठा तो शिखा को भी छू लिया ओम हुम फट अनामिका भ्याम नमः तो अनामिका उंगली को छुआ और फिर कवचाय मतलब राइट हाथ को लेफ्ट कंधे पे रखा लेफ्ट हाथ को राइट कंधे पे रखा और ये भी हो गया फिर ओम फट हुट कनिष्ठ का भ्याम नमः फिर अंगूठे से कनिष्ठिका को छुआ उसके बाद नेत्राए वसठा तो जो आपका तर्जनी है उसको राइट आँख पे रखेंगे जो आपका मध्यमा है उसको अपने त्रिनेत्र पर रखेंगे और जो आपका अनामिका है उसको अपने लेफ्ट आँख पर रखेंगे और उसके बाद अस्त्राय फट कर देंगे ठीक है तो ये भी एक विधान है कि दोनों को साथ में करते हैं इसको करने के बाद देखो ये रोजमर्रा का विधान है इसमें कोई सिद्धि जैसा कुछ होता ही नहीं है जब आपको अपना आ, सुरक्षा करना हो या किसी महामारी के लिए देवता से प्रार्थना करनी हो तब इसको हम लोग करते हैं ठीक है उसके बाद देवता का ध्यान करेंगे बहुत लंबा ध्यान नहीं करना बस पशुपति दिव्यास्त्र रूपम का स्मरण करना है अपने हृदय में ठीक है मंत्र चार अक्षर का है बहुत सरल मंत्र है और इसको रोज एक माला भी कीजिएगा तो पर्याप्त है ओम श्लिम पशुम हुम फट क्या है पशुअस्त्र ओम स्लिम पशुम हुम फट बस इस मंत्र का जाप करेंगे ओम स्लिम स्लिम पशु और आपका पशुपतिया चलने लगेगा चलने लगेगा मतलब है जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि क्या क्या लाभ आप लोगों को हो सकता है पशुपतियास्त्र से ठीक है किसी भी तरीके के परेशानी में घिरे रहिए तो पहला महादेव और महामाया का स्वरूप है पृथ्वी पर आपका आपकी ये मदद ज़रूर करेगा तो इतना ही आज के लिए जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें हम दीक्षा से पहले जो भी विधान है वो सिखाते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर आप डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम आप खोजेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने ले ले। के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू तंत्र डॉट एक्स वाई या फिर अगुण तंत्र डॉट कॉम पर जाइए डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिएगा तब भी अपॉइंटमेंट लेकर आपको मिल ठीक है के लिए इतना ही भगवान पशुपतिनाथ आप सभी की रक्षा करें शक्तिशाली बनाएं ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सभी को आधे आधे आधे